भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। उनको अगर पता चल गया जिन्होंने हमला किया है ना कि वो आदमी आपके है, तो जरा सोचिए कि आपका क्या होगा। वैसे क्या कह रहे थे आप कि आप मेरे पति से भी बहुत ज्यादा तेज है? तो सुनिए, मेरे पति के पास आपसे भी बहुत ज्यादा दिमाग है, और आप तो हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाते नहीं तो आपको इस बात के लिए ना मैं 2 कटोरी खीर खिलाती। ए, अपनी औकात में रह समझी। चिल्लाइए मत, नरोत्तम जोशी को तो 1000 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आपको पहली बार कह रही हूँ। मेरे पति की यात्रा ना कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। थैंक यू। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? आई एम ओके ओके। अब भाग के कहां जाओगे? वकील साहब, प्रणाम। बस इसी बात का डर था मुझे। इस भीमराव की वजह से सर पर फिर हमला हुआ, देखा आपने? नरोत्तम जोशी, नतीजे तक पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले देखने तो दीजिए ये लोग है कौन। आप ही के दोस्त है ना? क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता है कि इतनी रात को तुम लोग इधर क्या कर रहा है? कॉलेज के किसी भी 4-6 लड़कों को पकड़कर उनका पिटाई करा, उसके बाद हम भीमराव पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज कर देगा। शर्म नहीं, शर्म नहीं आई तुम तीनों को? पता है ना कि कितने आदरणीय हैं सब मेरे लिए। इन पर हमला किया, इन पर गौतम कैसे नालायक लोगों को दोस्त बना रखा है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो साहब, सर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। मुझे पता नहीं ये सारे लोग पढ़ाई के महत्व को समझते हैं या नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं आज जहां आप हैं, वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हमारा यह कॉलेज बंद मत करवाइए।
ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर। सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। प्लीज बाबा भैया चलिए। अब आगे क्या करना है? वकील हूं तुम्हारा, इसलिए जो बोलोगे वही करूंगा। बस इतना सोच लो, पिछली बार जब तुम पर हमला हुआ था तो इन्हीं लोगों ने किया होगा, ताकि तुम कॉलेज बंद कराओ। क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से भीमराव को पढ़ाई करने से रोक दे। ए रमा भाई, इस बार भीमराव कुछ कमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी और प्रचंड देव जी दोनों दोस्त हैं। और भला इतने बड़े आदमी भीमराव को क्यों मदद करेंगे? ये परेशान जो हो रही ना, इसके बजाय ये सोचो कि अंग्रेज अधिकारी कहीं भीमराव को पकड़ के जेल में ना डाल दे। भीम, क्या हुआ? क्या कहा अधिकारी साहब ने? जो हमें साबित करना था वो हमने कर दिया। क्या हुआ भीम? तू आगे पढ़ाई कर सकता है ना बेटा? और भीम भाऊ, आपकी छात्रवृत्ति बच गई ना? बुआ भाभी, ये मामला अदालत के अंदर चल रहे केस का था ही नहीं, और कोई भी जज इस पर क्या फैसला सुनाता? उस अंग्रेज अधिकारी को यह तय करना होगा कि उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत। गलत किया। कॉलेज को लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा गलती था, और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। I'm sorry। तुम जीत गए भीम। लेकिन मुझको तुमने नहीं हराया, बल्कि तुम्हारी उस बात ने हराया जो बात तुमने मुझसे कही थी। सर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। आज जहां आप हैं वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर। सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। चलो सयाजी महाराज तक पहुंचा देना, तुम्हारा स्कॉलरशिप बच जाएगा। ला
तब हम चलता है। मैंने खुशी में खीर बनाई है, आप भी खाते जाइए ना। बस यही यही दिक्कत है भीम और भीम की पत्नी रमा में। कोई व्यक्ति थोड़ी मदद कर दे और सहानुभूति की बोल दे तो खीर खिला दो खीर। अरे कम से कम सामने वाले के धर्म के बारे में सोच कर बोला कर रमा, कुछ बोल देते। जी माफ कर दीजिए, मैंने खुशी खुशी में कह दिया। माफ कर दो? ऐसे कैसे माफ कर दो? जब कहा है तो खिलाओ भी। ऐसा ठुकुर ठुकुर क्या देख रही है, हमको खीर नहीं खिलाओगे क्या? जा लेकर आ। आप सच में खीर खाएंगे? सच में हम खीर खाएगा और तुम लोगों के साथ मिलकर खाएगा। जा लेकर आ। अभी नहीं। रुको रमा, एक कटोरी मेरे लिए भी साथ ले आना। नवरत्न के तीनों दोस्तों को थाने पहुंचा दिया। कल कोर्ट में कम से कम एक साल की सजा तो दिलवा ही दूंगा। गुड, वेरी गुड। सर वैसे तो मुझे आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना जरूरी है। उन लोगों ने गलती की है, देखा जाए तो एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ ये सब करना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सर जो कुछ भी किया है वो उन्होंने किया है, उनके माँ बाप ने तो उन्हें पढ़ने के लिए ही कॉलेज भेजा होगा। उनके भविष्य को लेकर उनके सपने होंगे, अगर आप उन्हें सजा देंगे तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। उनके भविष्य का क्या होगा सर? मैं आग्रह करता हूं आप दोनों से, हो सके तो ये गलती माफ कर दीजिए। यू आर सच ए नाइस बॉय। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम उन्हीं लोगों को माफ करने के लिए हमसे कह रहा है। आई अप्रिशिएट यू, बट इस मूठे पर बात फिर खाने के बाद करे तो कैसा रहेगा? तुम हमको ऐसा ही खीर खिलाएगा या हमारे बैठने का वो क्या कहते हैं कि इंतजाम भी करेगा? काका बड़े अधिकारी और वकील साहब हमारे यहाँ पहली बार कुछ खाएंगे, अच्छे से देंगे और ज्यादा देंगे। अरे रमा आराम से करना। नहीं रमा के घर पर तो राशन पानी ज्यादा हो गया है, इसलिए तो गिर रही है कटोरी में इतनी खीर। लग तो ऐसे रहा है जैसे दोनों के दोनों बस इन्हें खीर खिलाने के लिए पैदा हुई थी।
सकती हो। नहीं आई, हमारा रिश्ता तो आपसे बना है, वो भी इस रूप में कि आप हमारी आई है और हम आपकी बहू है। और यकीन मानिए आई, बाहर वालों को कुछ खिलाकर जितनी खुशी मुझे और रमा को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि हमारी आई हमसे नाराज है। खाइएगा। ये खीर भीम की जीत की है लक्ष्मी, और मेरे मरने से पहले भीम की जीत की खीर मेरे गले से नहीं उतरेगी। Nice taste. इसमें क्या क्या डाला है? सब, सिर्फ प्यार। हम जैसे छोटी जात के लोग, उनके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं होता है। अब तो जब भी खीर खाने का मन करेगा भीम के पास ही आएंगे। Why not? जरूर सर, आप दोनों का तो हमेशा यहाँ स्वागत ही होगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। प्रचंड देव जी, हार गए हम, और वो भीमराव हमेशा की तरह नौटंकी करके जो करना चाह रहा था वो कर गया। अपने गुस्से को काबू में रखो नरोत्तम, शांति से बैठकर अब ये सोचो कि उस भीमराव को कैसे मात देनी है। शांत जाओ ना, शांत शांत। देखिए यहाँ 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 हार लिखी है, यहाँ हार हार गए हैं हम, हारे हैं हम उस छोटी जात के भीमराव के, हारे हम। हारे नहीं है हम नरोत्तम, हम नहीं हारे बल्कि हमारी ऊंची जात का समाज हार गया है। आज एक बात समझ आ गई रमा, इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। देखो, पहले वो जो आपके विरोधी हैं, दूसरे वो जो आपका साथ देते हैं, और तीसरे वो जिन्हें अगर अच्छे से समझाया जाए तो वो आपके साथ ही जरूर बनते हैं। ये अंग्रेजी अधिकारी और वकील साहब तीसरी तरह के लोगों में आते हैं। मतलब तीसरे तरह के लोग हमारे साथ रह भी सकते हैं और हमारे घर के खीर भी खा सकते हैं। बात खीर खाने की नहीं है रमा, हम छोटी जात और बड़ी जात के बीच एक गहरी खाई है, बहुत गहरी। आज की यह घटना उस गहरी खाई में एक मुट्ठी मिट्टी डालने के बराबर है। तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसे ही एक एक मुट्ठी मिट्टी इस खाई को पाट देगी। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है,
एक दिन आपके प्रयासों से ये जरूर होगा। कितना अच्छा होगा ना तब, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक बराबर होंगे।